आज हम करेंगे मज़ेदार रान रोस्ट, बहुत ही कम मसालों से, बिल्कुल घर में अवेलेबल होंगे और बहुत ही आसान और बहुत ही जूसी। यम, देख रहे हैं कितनी अच्छी गल गई है, एंड वॉट अ लुक। चलो जी, फटाफट से हम ज़बरदस्त सी रान की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको बड़े बड़े कट लगा लेंगे दोनों साइड्स पे, ठीक है? और उसके बाद हम इसमें बहुत ही ईजी ईजी से मसाले डालेंगे। और सिर्फ क्या काम होता है रान का, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसमें जाएगा 1 कप दही, आधा कप अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट आया है ताकि चटपटी करारी हो जाए, 1 टेबलस्पून चाट मसाला जाएगा इसमें। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 टीस्पून तक नमक, 2 टीस्पून ही लाल मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी, ठीक है? इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ठीक है? और फिर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के सिरका। चलो जी, और ये सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल हैं। देखा, अब सिर्फ कमाल ये है कि आपने इसको जो है ना कम से कम 48 घंटे रखना है, ठीक है? 24 और 24 प्लस कर दें, और कम से कम एक रात, ठीक है? ताकि अच्छे से मसाले रच जाएं, तो फिर ये ज़्यादा मज़े की लगेगी। अच्छा जी, मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल डाला है, और खुले पैंदे का बर्तन लेना है, तेज़ आंच पे इसको दोनों तरफ से फ्राई करना है, और उसके बाद उसमें जो मैरिनेशन का मसाला बचा हुआ था वो डाल देना है। दैट्स इट। इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देना आपने, और इसको लो फ्लेम पे आपने कुक होने देना है, और इसको हर 15 मिनट बाद खोल के तो साइड चेंज कर देनी है, अनटिल इट इज़ डन, ठीक है? जब तक कि ये डन हो जाए, और जल्दी ही डन हो जाएगी अगर ये अच्छी मैरिनेट हुई हुई है तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको जब मैंने धागों से बांधा हुआ है ना, दैट इज़ वाई कि ये बर्तन में पूरी आ जाए, ठीक है? इसलिए। और ये देखिए इतनी ज़बरदस्त ये गल गई, और इतनी जूसी और इतनी मज़े की ये बनी थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं किसी को ना खिलाऊँ और खुद ही खा जाऊँ। हाँ जी, मेरे बच्चों का शोर बर्दाश्त करें ज़रा बैक साइड। चलें जी, ज़रूर आपने ये बनानी है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है इसको बनाने का, और बाद में जब इसको आप चखते हैं ना, तो फिर आइंदा आप बाज़ार से रान रोस्ट कराना भूल जाते हैं बिल्कुल। ज़रूर अपनी भी बेस्ट टिप शेयर करें रान रोस्ट करने के लिए, ज़रूर शेयर करें अपना मेन्यू, आप क्या बनाने वाले हैं ईद पे, और क्या रान ज़रूर बनाएंगे आपके नहीं। हाय हाय हाय। चलें जी, जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को। हाँ जी, लाइक करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। ईद उल अज़हा की ख़ास रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।